इसमें एक काम करिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जो ये दे रखा है, इसमें क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस, अब जैसे फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो फोर बी स्क्वायर को ऐसे लिख लो टू बी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और टू बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और माइनस का टू बी प्लस ए इंटू टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये है। अच्छा, अब जो ये हमारे पास फैक्टर आ गए ना, कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर आ गए, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो माइनस टू ए के बराबर होना चाहिए, तो आप करके देख लीजिए। और जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो आप ये देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो ये टर्म है टू बी प्लस ए और एक टू बी माइनस ए, मल्टीप्लाई होकर जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव रहा होगा और एक टर्म नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। कोई भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव कब आएगा, जब एक टर्म उसमें से पॉजिटिव होगा और एक टर्म नेगेटिव होगा, तभी तो आएगा ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव। अच्छा, तो हम इसमें क्या करें, जैसे माइनस टू बी प्लस ए करके देखते हैं, एक बार ऐसे कर लो कि टू बी प्लस ए तो ले लो पॉजिटिव और माइनस टू बी माइनस ए, मतलब एक टर्म तो पॉजिटिव ले लिया और एक टर्म नेगेटिव ले लिया, अब जरा एक्सपेंड करके देखो तो ये हो गया टू बी प्लस ए माइनस टू बी और माइनस माइनस प्लस ए, तो माइनस टू बी प्लस टू बी कट गया लेकिन ए प्लस ए बन गया प्लस का टू ए, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का टू ए, तो क्या करिए इसको ले लो माइनस का और इसको ले लो प्लस का, नहीं समझे भाई, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर करेंगे, जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की आ जाए कि एक टर्म हमारा मतलब ए और बी वाले कांस्टेंट टर्म्स उसमें दे रखे हों, तो आप कांस्टेंट टर्म जो है जो ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है पूरी की पूरी इसके फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स हमने कर लिए, अब दो फैक्टर आ गए, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉजिटिव लूँगा और एक नेगेटिव लूँगा, अब मैंने पहले वाले को पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव ले लिया, तो रिजल्ट आ रहा है प्लस का टू है, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए माइनस का टू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे माइनस का टू बी प्लस ए, माइनस का टू बी प्लस ए और प्लस का टू बी माइनस ए, हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू बी और माइनस प्लस माइनस ए, फिर ये हो गया प्लस का टू बी और प्लस माइनस माइनस ए, अब प्लस टू बी और माइनस टू बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया माइनस का टू है, तो यही मुझे चाहिए था, अगर एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ये है ही, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ये है ही और इन दोनों का एडिशन जो है वो माइनस टू ए के बराबर आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस टू ए को स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस टू बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस टू बी माइनस ए इंटू एक्स और माइनस टू बी प्लस ए इंटू टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए ये पहली और दूसरी टर्म है, इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए एक्स, जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स एक्स माइनस टू बी प्लस ए प्लस टू बी माइनस ए इधर भी है, टू बी माइनस ए इधर भी है, तो टू बी माइनस ए ले लो कॉमन, टू बी माइनस ए कॉमन, तो इधर क्या बचेगा एक्स और माइनस टू बी प्लस ए और इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो ब्रैकेट ये हो गया एक्स माइनस टू बी प्लस ए, एक ब्रैकेट ये हो गया एक्स माइनस टू बी प्लस ए, तो क्या हुआ एक्स माइनस टू बी प्लस ए ये इधर आ गया, ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा एक्स
और इधर क्या बचा, प्लस 2b माइनस a, प्लस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0. तो आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0. अभी x की दो वैल्यूज भाई, x माइनस 2b प्लस a जब 0 के बराबर हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b प्लस a. एक तो x की ये वैल्यू आ गई और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस a. बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी कभी मेरे पास ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कुछ इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, तो ये तो मुश्किल पड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, आपको सीधा सीधा इसके फैक्टर्स करने पड़े. इसके फैक्टर्स करने के बाद में फिर हमने एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोची, अगर चाहो कि नहीं मैं तो वो भी नहीं सोचना है मेरे को, तो ठीक है आप चार कॉम्बिनेशन लेकर चलो. एक बार इसको प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, प्लस माइनस, एक बार इसको माइनस, एक बार प्लस. नहीं बनेगी अगर बात तो दोनों को माइनस माइनस ले लो, तब भी नहीं बनेगी तो दोनों को प्लस प्लस ले लो. चार कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं ना, या तो प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस या माइनस प्लस. हाँ जी बोलिए सर. ऐसा इसलिए इजी होता है ना क्योंकि इसमें जीरोस की मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, और अगर कोई अगर हम वो कर दे, हाँ अगर इनको लीनियर फॉर्म में चेंज कर दे तो यही आ जाएगा, तो यही आ जाएगा, तो यही आ जाएगा. और इस वजह से जो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल लगेंगे लेकिन होंगे आसान. कोई भी ऐसा कोई और क्वेश्चन हो तो आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना. है अभी कोई क्वेश्चन? अगर कोई और क्वेश्चन हो ना इस तरीके का जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म्स दे रखे हों, तो आप समझ लेना कि बेहद आसानी से जल्दी हो जाता है वाला क्वेश्चन. इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह तो करने ही नहीं है ना, इसलिए. सभी को आ गया ना समझ में? यस सर. चलिए ठीक है. एक और देखिए क्वेश्चन. ये बता दो फिर से. अब आप लोग स्कूल तो नहीं जा रहे हैं ना? स्कूल का तो कुछ नहीं है. सुबह किस टाइम उठते हो सोकर? 12 बजे. ये सुबह होता है दोपहर होती है? 8:30. ये सोचकर बता रहा है, ये सोचकर मम्मी उठा लेती है. मैं बोलता 12:30 बजे उठो, ये तो दोपहर हुआ. मम्मी मान लिया कि धूप आज निकली ही नहीं है. 8 बजे. तो भाई अपूर्व आज 6 बजे उठ गया, तो ये भी बात. किस टाइम? 9 बजे. तुम भी 9 बजे? 9 के 12 हो जाते हैं. तुम तीनों भी 12:12 बजे. सही है. तो ऐसा लग रहा होगा कि अभी 12 बजे जैसे उठे तो फिर 1 बजे तक नाश्ता हुआ है ना, फिर 2 बजते लगता होगा कि चलो भाई ट्यूशन का टाइम हो गया. ठीक है, तो फिर रात को तो पढ़ रहे हो 12 बजे वाले, रात में तो पढ़ रहे हैं. चलिए ठीक है. आजकल सबके साथ ही ऐसा हो रहा है. If the roots of the quadratic equation, सर आगे का आपसे एक चीज पूछने जा रहा है. क्या? एक दिन में 36 घंटे कैसे पढ़े? एक दिन में 36 घंटे कैसे पढ़ा जाता है? ये काम एलियन कर सकते हैं बस. ये काम एलियन ही कर सकते हैं बस. If the roots of the quadratic equation. If the roots of the quadratic equation. If the roots of the quadratic equation b minus c x square b minus c x square plus c minus a into x plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0. हाँ तो भाई ये ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे जैसे ही होगा कोई जिसने बनाया है. अनअकैडमी डाल रहा है नवे भाई साहब. सही हां मैं कहने कॉलेज के चलते हैं. r इक्वल कभी तो बोलूंगा.
सर ये पिछले वाले क्वेश्चन का पूर्ण कैंसिल कर लो। एक क्या बोल रहे हो सर? फोर्थ, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसके पूर्ण स्टेप से बात। हाँ बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ स्टेप है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये हमने क्या करा क्या है, ये जो हमें कॉन्स्टेंट टर्म दे रखी होती है ना उसके हम फैक्टर्स कर देते हैं। तो फैक्टर्स कर दिए तो 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a आ गया। उसके बाद हम चार कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। ये चार कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको माइनस 2a दे देगा रिजल्ट, माइनस 2a। तो आपने सबसे पहले प्लस प्लस ट्राई करा, 2b प्लस a, इसको आपने ले लिया प्लस का, और 2b माइनस a को ले लिया, इसको भी प्लस का ले लिया, तो दोनों प्लस के हैं। तो 2b प्लस 2b कितना हो जाएगा? 4b, और a से a कट जाएगा, तो ये तो आ गया रिजल्ट 4b। मुझे 4b नहीं चाहिए, मुझे माइनस का 2a चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा, तो प्लस प्लस वाले ने काम नहीं करा, मैं प्लस माइनस वाला ट्राई करूंगा। तो 2b प्लस a मैंने ले लिया प्लस का, और 2b माइनस a मैंने ले लिया माइनस का। तो इसमें क्या होगा, 2b माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, और a माइनस माइनस a ये बन जाएगा प्लस का 2a। इससे भी बात नहीं बनी, ये माइनस 2a चाहिए था, मुझे तो प्लस 2a मिला, तो ये भी काम नहीं हुआ इससे भी, तो मैं माइनस प्लस ले लूंगा। तो पहले वाला टर्म जो ये वाला टर्म है, इसको मैंने ले लिया माइनस का 2b प्लस a, और दूसरे वाले को यानी कि 2b माइनस a को मैंने ले लिया प्लस का 2b माइनस a। तो माइनस 2b और प्लस 2b तो जीरो हो गया, और माइनस a और माइनस a ये हो जाएगा माइनस 2a। तो इस वजह से मैंने क्या करा कि रिजल्ट मेरा माइनस 2a आ गया। तो मैंने क्या करा कि माइनस 2a की जगह अब लिख दिया माइनस 2b प्लस a इंटू x प्लस 2b माइनस a इंटू x, माइनस 2b प्लस a इंटू x प्लस 2b माइनस a इंटू x। उसके बाद का शायद आपको समझ में आ गया होगा, बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस c इनटू x स्क्वायर, b माइनस c इनटू x स्क्वायर प्लस c माइनस a इनटू x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू जीरो। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर तो रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है? तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमा देन एज पर दिस क्वेश्चन देन एज पर दिस क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा को अल्फा बीटा के बराबर है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, कैपिटल का माइनस बी और कैपिटल का ए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ए बी और सी टर्म्स यूज कर रखे हैं, तो वो माइनस का स्मॉल बी और माइनस का स्मॉल ए ना लिखकर कैपिटल माइनस बी अपॉन ए लिख रहा हूँ। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, कितना है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, तो ये हो गया सी माइनस ए अपॉन ए, कितना है बी माइनस ए। एंड अल्फा बीटा मतलब अल्फा इनटू अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल सी, कितना है यहाँ पर ए माइनस बी अपॉन कैपिटल ए, कितना है बी माइनस सी, ठीक है? ये हो गया। तो यहां से मेरे पास आया अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। एंड अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी
अपॉन बी माइनस सी, क्लियर है? ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब स्क्वायर करा तो 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है ना, तो ये हो गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, हम इक्वेशन टू से यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर आ गया, इक्वेशन टू से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, तो 4 इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी मेरे को दो इक्वेशंस दे रखी होती हैं तो मुझे उन दो इक्वेशंस को कैसे भी सॉल्व करना होता है, कैसे भी असल में स्क्वायर करा ना, स्क्वायर करा तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको मैंने इक्वेशन टू से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा तो मेरा माना हुआ रूट है, ठीक है? बस इन्होंने ये दे रखा था कि जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन्होंने बोला इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a + c, समझ गए? तो हमने एक इक्वेशन को हम लेकर चले और हमने ये देख लिया था कि इधर अल्फा है और इधर अल्फा स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये अल्फा स्क्वायर मिल ही जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखी जा सकती है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि अल्फा बचा ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो b माइनस सी है एक b माइनस सी से एक b माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, अब क्या करें देखिए, अब आप एक काम करें 4 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए अब ए की काम हो सकता है बी माइनस सी तो बचा, बी माइनस सी तो बचा, होल स्क्वायर तो कट गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आइए, तो 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, ये हो गया। फिर इधर देखिए ये 4 एज इट इज, इसको एक्सपेंड करो तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, हमें क्या प्रूव करना है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी,
बन सकती है बहुत कुछ, बताइए। a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a का होल स्क्वायर। सर इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लग सकता है क्या? देखो ये माइनस, पता है क्या, ये माइनस बी स्क्वायर है और ये इधर 4 है, उसको उधर लेकर जाएंगे। यस सर, सब का a - 2b + c का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, हो सकता है। तो ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca 4ab माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ आप, ये करिए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, इधर माइनस ले लेंगे कॉमन, और स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख लेना। तो ये माइनस 4b स्क्वायर है, इसको c स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा माइनस का c स्क्वायर, a स्क्वायर भी इधर आ गया, ये हो गया माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले आ गई, उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस का 2ca, मतलब मैंने सिर्फ माइनस 4b स्क्वायर पहले लिखा है और बाकी ये तीनों टर्म्स में इधर लेकर आ गया, तो माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का 2ca, ये हो गया। उसके बाद सारी टर्म लिखिए, प्लस का 4ab माइनस का 4ac, ये तो माइनस का 4ac है ना, इसको माइनस का 4ca लिख लो, ac लिखो या ca लिखो एक ही बात है। हाँ बोलो सर, मैंने सर आपका वाला मेथड नहीं यूज करा, मैंने सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के करा तो उसे दो हो जा रहा सर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर सर, हां उससे छोटा भी पड़ रहा है। अच्छा ये प्लस और ये वाला माइनस। अच्छा चलिए ठीक है, भेजना जरा मेरे को कैसे करा है, मैं भी देखता हूं। यस सर, और माइनस ओके इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ना माइनस 1 ले सकते हैं कॉमन, माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो ये बचा प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर और 2ca माइनस 4ca का 2c हो गया ना, इधर आकर और इधर का माइनस का 4ac माइनस 2c है सब सही हो रहा है, कहीं कुछ गलती है देखेंगे। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, तो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा हो गया माइनस का सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करा तो सी माइनस ए का इधर आ गया 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी का होल स्क्वायर, 4 इंटू अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, एक बी माइनस सी से एक बी माइनस सी कट गया, 4 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी, 4 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca,
फिर ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ तक भी ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, फोर ए बी माइनस फोर ए सी माइनस फोर बी स्क्वायर और प्लस का फोर बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, ठीक है। फिर हो गया माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का टू सी ए, प्लस का टू सी ए, प्लस का फोर ए बी माइनस का फोर सी ए और प्लस का फोर बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर माइनस ले लेते हैं कॉमन तो 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसमें ना एक काम करेंगे, जैसे ये है यहाँ से माइनस वन ले लिया कॉमन, माइनस वन तो उधर जीरो के नीचे जाकर जीरो हो जाएगा, और ये जो 4b का होल स्क्वायर है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2b 4b स्क्वायर को हम लिखेंगे 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास कितना हो गया माइनस का टू सी ए, और माइनस वन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का टू सी ए, ठीक है। फोर ए बी में से माइनस वन कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस का फोर ए बी, इसी तरह से फोर बी सी में से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस का फोर बी सी, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे ये प्लस का रहेगा, ठीक है। माइनस वन कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक दो तीन ये तीनों प्लस के हो गए, और ये जो टू सी ए माइनस फोर सी ए तो ये हो जाना था माइनस टू सी ए, टू सी ए माइनस फोर सी ए करेंगे तो माइनस टू सी ए हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का टू सी ए बचेगा। उसी तरीके से ये प्लस का फोर ए बी है तो ये एज इट इज रहा, इसमें कुछ चेंज नहीं, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो माइनस का फोर ए बी हो गया, और इसी तरह से यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का फोर बी सी हो गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो प्लस टू ए बी प्लस टू ए इंटू ए इंटू बी यानी कि टू बी इंटू सी, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4bc बन जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 4bc चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि माइनस साइन किसके साथ लगाना है। चलिए जी, एक तो ये हो गया हमारे पास 2ab plus 2bc, तो 2bc क्या होगा, b है c और ये है ab, तो plus 2bc और लास्ट में आएगा 2ca, तो 2 into a into 2b, 2 into a into 2b, इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव वाले, देखिए नेगेटिव वाले कौन से दो टर्म्स हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नेगेटिव है, इसमें कॉमन कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, b, तो b वाले को नेगेटिव कर दीजिए बस। आप ये देखिएगा कि एक तो ये कर दो, b वाला नेगेटिव माइनस टू बी और एक इसको कर दो, तो आपका बन जाएगा माइनस का फोर बी सी, माइनस का फोर बी सी और ये क्या बन जाएगा माइनस का फोर ए बी, तो बन गए दोनों नेगेटिव। और साथ में क्या करेंगे कि ये जो 2b का स्क्वायर है इसको लिख देंगे माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस 2b का जो होल स्क्वायर है वो भी तो प्लस 4b स्क्वायर ही बनेगा, नहीं समझे, जब भी कभी लॉन्ग प्रोसेस कहीं ना कहीं तो वो ये जाएंगे, मतलब आपने लॉजिकली फिर तो कर दिया, मतलब प्रैक्टिस की जगह देंगे। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे ही 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस थे, सारे के क्वेश्चन पेपर में आए या फिर 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन था भाई, भाई आप ये देखिएगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसमें अगर कहीं पर भी नेगेटिव टर्म आती है तो हमें ये देखना होता है कि नेगेटिव वाला टर्म कौन सा आ रहा है, बस उसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा। आप ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, ठीक है। तो अब जरा सा और देख लीजिए बस कि आप ये देखो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों नेगेटिव है, इनमें अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, बी तो कॉमन है, तो बी वाले को नेगेटिव कर दो, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, बस ये करना, और फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका, जो फैक्टराइजेशन पूरे इक्वेशन में बी को मतलब माइनस में कर देना, जहां पर भी बी नजर आए बी वाले के आगे नेगेटिव लगा दो, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, बी वाला टर्म कॉमन नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। हाँ, अगर मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए इन दोनों टर्म्स में इधर 4ab और इधर मान लो 4ac आ रहा होता तो a वाले को नेगेटिव लगा देते, बस जो कॉमन आएगा उसमें नेगेटिव लगा देगा।
तो ये हो जाएगा माइनस टू बी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब आप करिए स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर रूट तो वैसे ही जीरो होता है। तो ये हो गया माइनस टू बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू बी को उधर ले जाओ तो सी प्लस ए इज इक्वल टू टू बी, हो गया प्रूफ। अच्छा कुछ बच्चों ने इसमें जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर भी करा, जो d निकाल लेते हैं ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैसे निकाल कर भी करा है, तो चाहे तो वैसे कर लीजिए करने के बाद। ठीक है तो कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके से। तो हमेशा याद रखना अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहीं पर बन रहा है और उसमें नेगेटिव वाली टर्म आ रही है तो जो नेगेटिव वाली टर्म है उसमें ये देख लेना कॉमन अल्फाबेट कौन सा, बस उन्हीं को नेगेटिव करते चले जाए। यहाँ पर बी नजर आ रहा था कि बी वाला नेगेटिव है, इधर इन दोनों में ये जो दोनों नेगेटिव है इनमें बी कॉमन आ रहा है, तो बी वाले में इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, हो गया। ठीक है और बताइए और किसी का कोई डाउट है तो। अरे सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? तो सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको ये समझ में आ गया कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है, मैं पूरा पेपर उठा कर करूँगा। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपने सर्कल्स कर लिया है, अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो आप 6-7 सैंपल पेपर उठाओ और उसमें सर्कल्स के क्वेश्चन छांट छांट कर वो करने शुरू करो। ठीक है ऐसे भी करा जा सकता है। कोई डाउट है तो बताओ, कुछ नहीं सर। ये जो है जिसमें a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है उसमें जो लास्ट वाले 2 माइनस b इनटू c से a क्या समझ में आया, ये वाला a वाला मतलब नहीं समझा मैं, क्या दोबारा बोलो। a कहां आ गया सर, a भी तो है ना उसमें माइनस 4 ab माइनस 2 ab। हाँ तो a है तो सही है जरा भाई, जैसे ये है जैसे 2ca है, हमने सबसे पहले क्या करा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों होल स्क्वायर मेरे को नजर आ रहे हैं तो 4b मतलब परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो 4b स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर तो c का स्क्वायर हो गई और a स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद जो आगे वाले तीन टर्म है ना, बिना कुछ सोचे समझे आप ऐसे ही कर दीजिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो उसके बाद मुझे चाहिए होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2ab अपने आप ही लिख दो, तो 2ab मतलब 2 इंटू 2b इंटू c, तो 2 इंटू 2b इंटू c मैंने लिख दिया था ऐसे। फिर अगला टर्म क्या होगा 2bc, तो 2bc मतलब 2 इंटू c इंटू a, तो 2 इंटू c इंटू a। फिर अगला टर्म होगा 2ca, तो 2 इंटू a इंटू 2b, तो 2 इंटू a इंटू 2b ऐसे लिख दिया था। ये करने के बाद में मुझे ये दिखाई दिया कि इसमें नेगेटिव वाले टर्म मतलब ये जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4bc आ रहा है, लेकिन मुझे तो माइनस 4bc चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 2ca आ रहा है, चलिए ठीक है प्लस का 2ca ही चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4ab आ रहा है लेकिन मेरे को माइनस का 4ab चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव वाले दो टर्म्स हैं इनमें कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन आ रहा है, तो हमने ये देखा कि b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो इसलिए हमने b वाले टर्म को नेगेटिव मार्क कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर दिया और ऐसे ही इधर भी नेगेटिव मार्क कर दिया। ठीक है और जब 2b को हम माइनस 2b लिखेंगे इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर भी माइनस 2b लिखना पड़ेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 2b का स्क्वायर जो है ना वो भी 4b स्क्वायर ही आएगा, समझ गए? बताइए जी समझ गए? ओके तीन नंबर का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। देखिए भाई अब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा जैसे ही मैथ्स में थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने लगे ना, यहाँ मैथ्स मेरे को आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्री उठाकर एक बार देख लेना, ठीक है तो वापस नीचे आ जाओगे कि नहीं भाई अभी मुझे और बहुत मेहनत करनी है। तो ऐसा ही अब ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। करे थे भी आगे वो क्वेश्चंस सर 20 का भी करे थे, उसका मेंटल साइंस के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन है प्रूव दैट प्रूव दैट
साइन थीटा इनटू वन प्लस टैन थीटा साइन थीटा इनटू वन प्लस टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू वन प्लस कॉस थीटा इनटू वन प्लस कॉट थीटा is equal to sec theta plus cosec theta. ये चीज प्रूव करनी है. इसको कैसे करेंगे प्रूव? थीटा को तो साइन थीटा ही रहने दो. और वन प्लस टैन थीटा को लिखो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. प्लस कॉस थीटा और इसको लिखो वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. छोड़कर देख लेना, मतलब दो तीन स्टेप इसके भी करके देख लेना आरएचएस के भी. तो हमने क्या करा कि अगर हम थोड़ा सा एनएचएस सॉल्व करके छोड़ दें और थोड़ा सा आरएचएस सॉल्व करके छोड़ दें और दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो भी बात बन जाती है, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ प्रूव हो गया. और जैसे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है ना, तो सेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक को लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन थीटा. और दोनों को अगर एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. बस इतना सा करके छोड़ दो कि अगर ये सॉल्व करके हम यहाँ पर भी कहीं पर आकर अटक जाते हैं ना, तो भी हम कह देंगे कि हाँ प्रूव हो गया. ठीक है, इसको बस रफ में इतना करके छोड़ दिया आरएचएस को. ठीक, ऐसा क्यों करा? क्योंकि आरएचएस अब मेरा साइन और कॉस की टर्म्स में हो गया और एलएचएस भी मैंने टोटली साइन और कॉस की टर्म्स में कर लिया. सर लेकिन ये भी करके दिखाना होगा ना कि मेन, हाँ मेन में करना होगा, पहले रफ में इतना करके छोड़ दो है ना, और फिर देखते हैं कि यहाँ तक हमारा होता है या नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करके हम सीधा यहीं तक पहुंच जाएं, तो जरूरी नहीं है ये करना. तो इसको लेकिन फिर भी रफ में करके छोड़ दिया. अब क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है इसको अभी ऐसे रहने दो और कॉस थीटा को भी ऐसे रहने दो. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अलग कर दो बिल्कुल, और प्लस ये जो है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एक ही हो गया. अब क्या करेंगे, अब आप ना ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और इसका एलसीएम ले लो. तो ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा. डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों ये आ गए साइन थीटा कॉस थीटा. अच्छा, जब साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन गया साइन क्यूब थीटा.
और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया cos क्यूब थीटा। हाँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इधर लिख रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो वो यहाँ पर लगा देंगे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो बिल्कुल अलग है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर लिख रहा हूँ ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म्स में से। मैंने क्या करा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ले लिया कॉमन। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये अकेला था, इसको कॉमन ले लिया तो वन बचा यहाँ पर सिर्फ, इधर बचेगा वन, वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, वन, वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहां तक समझ गए कि नहीं बता दीजिए, ठीक है। ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था और ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा वन, इधर भी वन बच गया, और फिर ये ब्रैकेट को लिखूंगा ना मैं, इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया वन और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था, और अपॉन में पूरे के साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर और इस ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ गया, और प्लस वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया प्रूफ। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बचा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप चाहे तो ये इतना आरएचएस करके दिखा दो, ये आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल, और चाहे इसको स्प्लिट कर दो, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इधर कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा और वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है जी, हाँ जितना ही कर लेते हैं, और 5 तारीख जो है परसों का तो देखिए मैं ऑफ रखूँगा, मेरे घर में ही फंक्शन है, तो 5 तारीख का एक तो मैं ऑफ रखूँगा, 5 से पहले हो सकता है या तो 4 का ऑफ कर दूँ या फिर 6 का ऑफ कर दूँ या सिर्फ 5 का करूँ, मतलब 5 का तो फिक्स है, 5 का तो फिक्स है। कई बार ऐसा हो जाता है भाई सर्दियों के दिन, और मुझे भी आने जाने में थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कोहरा हो रहा है तो मैं वापस शायद टाइम पर ना लौट पाऊँ, तो हो सकता है कि 5 से पहले एक दिन का ऑफ करूँ या 5 के बाद एक दिन का ऑफ करूँगा, और अगर मौसम क्लियर रहा तो सिर्फ 5 का ही करूँगा ऑफ, यानी कि सिर्फ परसों का करूँगा, 4 को और 6 को फिर आपकी क्लास होती रहेगी, तो आपको मैं टाइम से इन्फॉर्म कर दूँगा, मैं आपको कल दोपहर 12 बजे तक तो कल का आप मैसेज एक बार चेक कर देना कि कल मैं पढ़ाऊँगा या नहीं, परसों का तो पूरी तरह से ऑफ है, और जो 6 तारीख का ऐसे ही 6 तारीख का बताऊँ, ठीक है, और